हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माहेश्वरी रसोई। आज आपके साथ मैं एक बहुत फेमस मिठाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो है स्पंजी वाइट रसगुल्ला। इसे बनाना थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन मैं आपको इसका इजी वे बताऊंगी जिससे इसे बनाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और आप इसे घर में बहुत आसानी से साथ बना सकते हैं। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। व्हाइट स्पंजी रसगुल्ले बनाने के लिए मैंने लिया है ये गाय का 2 किलो दूध, और इसके साथ मैंने लिया है 50 ग्राम मैदा, आधी किलो से थोड़ी ज़्यादा मैंने चीनी ली है। इसकी हम चाशनी बनाएंगे और चाशनी को 2 जगह करेंगे। थोड़ी सी टाटरी ली है, ये करीब 5-6 ग्राम टाटरी होगी। अगर हम इसका पाउडर बनाएंगे तो आधी छोटी चम्मच। 4 लीटर ये नॉर्मल लीटर हैं जो हम सर धोने के लिए भी यूज़ करते हैं, और ये पंसारी की दुकान पे मिल जाती है, इसे हम पपड़ी के नाम से जानते हैं। ये है पपड़ी, ये रसगुल्लों को वाइट करती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले दूध को उबलने रख देंगे, और जितने देर उबल रहा है उतने हम इन्हें जो टाटरी लेती पानी में इसे भिगो देंगे। करीब आधी कटोरी मैंने पानी लिया है, और इसी तरीके से ये रीठे भी भिगो देंगे, और जब रीठे थोड़े फूल जाएंगे इन्हें हम तोड़ लेंगे। और ये जो मैंने चीनी ली है इसे एक बड़े बर्तन में जिसका फ्लैट सरफेस हो, आप इसे कढ़ाई वगैरह में ना बनाएं, जितनी चीनी ली है उसका जस्ट डबल हम इसमें पानी डाल देंगे। नॉर्मली जब हम चाशनी बनाते हैं हम आधा पानी डालते हैं, लेकिन वाइट रसगुल्ले बनाने के लिए हम दूना पानी डालेंगे और इसकी चाशनी बनने के लिए रख देंगे। और करीबन 10 मिनट बाद मैंने इन रीठों को तोड़ लिया है, और एक अलग कटोरी में करके इन्हें हम अच्छी तरह मसल लेंगे, जिससे इनके अंदर का सब जो है वो पानी के अंदर आ जाए। और जैसे ही चीनी पानी में घुलती है, और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एकदम पतली चाशनी है, सिर्फ चीनी पानी में घुली है उतना ही है। और इस वाली गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे, और देखिए ये दूध भी उबलने ही वाला है। और जितने हमारा दूध उबल रहा है उतने हम गैस ऑन करेंगे, उस पर एक पैन रखेंगे और उसमें करीब हम 1/2 लीटर पानी डाल देंगे। और जैसे ही दूध में उबाल आता है हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और दूध को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और इधर जो हमने ये पानी उबलने के लिए रखा था, ये जो पपड़ी है ये पंसारी की दुकान पर बहुत आराम से मिल जाता है, इसे डाल देंगे और इसमें घुलने के लिए छोड़ देंगे। एक बार हम दूध को छान लेंगे जिसमें ये जो एक्स्ट्रा मलाई है ये निकल जाए, और उसके बाद हम दूध को फाड़ेंगे। पूरा दूध छान लिया है, और आप देख सकते हैं इसमें ये जो मलाई आई है इसे हम हटा देंगे, और इसी बीच दूध भी थोड़ा ठंडा हो गया है। और अब हमने ये जो टैटरी का पानी लिया था इसे हिला हिला कर हम इसमें ये डालते जाएंगे इस तरीके से। और देखिए अब ये दूध फट गया है, और अब हम इसका छेना निकाल लेंगे। और छेना निकालने के लिए एक कपड़ा लेंगे और उसमें हम ये फटा हुआ दूध डाल देंगे, जिससे हमारा छेना निकल कर बाहर आ जाएगा इस तरीके से। इस समय ये दूध बहुत तेज गर्म है, इसलिए सावधानी से हम इसे चारों तरफ से पकड़कर इसमें से ये जो एक्स्ट्रा पानी है ये निकाल देंगे। हम इसे करीब 5 मिनट के लिए लटका देंगे जिससे ये अच्छी तरह इसका पानी निकल जाए। और ये जो पानी बचा है इससे आप आटा लगा सकते हैं या सब्जी में डाल सकते हैं, इस पानी में बहुत सारे प्रोटीन और विटामिन होते हैं। और ये जो मैंने पपड़ी उबलने के लिए रखी थी पानी में, ये भी पूरी तरह घुल गई है, और गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। और अब ये छेना भी तैयार हो गया है, अब हम ये छेना भी निकाल लूँगी और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जितने छेना ठंडा होता है इतने हम ये जो चाशनी थी इसे हम 2 जगह कर लेंगे।
आधी से थोड़ी कम चाशनी मैंने अलग निकाल कर रख दी है और आधी को मैं उबलने के लिए रख दूंगी और इसे हाथ से मसल लेंगे इस तरीके से। इसी समय हम ये चौथाई चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे और ये जो हमने मैदा ली थी ये भी डाल देंगे और एक साथ इन सबको अच्छी तरह चिकना होने तक हम मथेंगे। और चाशनी भी उबलने लगी है, अब हम इसके एक जितना छोटा नींबू होता है हाथ थोड़े से गीले करें और उतने बड़े बड़े इसके गोले बना लेंगे। गोले बनाते हुए आप एक बात का जरूर ध्यान रखें कि गोला पूरी तरीके से चिकना हो, उसमें कहीं से कोई क्रैक ना हो। और अब हमने ये जो रसगुल्ले बनाए हैं इन्हें एक एक करके इस उबलती हुई चाशनी में डाल देंगे। चाशनी इतनी होनी चाहिए कि रसगुल्ले तली में टकराए नहीं, वरना रसगुल्ला चपटा हो जाएगा। मैंने ये सभी रसगुल्ले चाशनी में डाल दिए हैं और इसी चाशनी में इसी तरीके से हम इसे 5 से 7 मिनट तक उबलने देंगे। रसगुल्लों को उबलते हुए करीब 3 मिनट हो चुके हैं और हमने ये जो रीठे का पानी लिया था इस तरीके से हम हाथ पे लेंगे और झटके से मार देंगे और इसके मारने से ही आप देखिए ये एकदम चाशनी उभर के ऊपर आ जाती है। ये देखिए मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ इस तरीके से, इससे रसगुल्ला अंदर तक फूल जाएगा और ज़्यादा टेस्टी बनेगा। मैंने करीब 200 ग्राम पानी में ये रीठा घोला हुआ था और हम थोड़ा थोड़ा इसी तरीके से करके 10 मिनट के अंदर इसमें ये सारा रीठा लगा देंगे और आप हर बार देख सकते हैं कि रसगुल्ले का साइज हर बार थोड़ा सा बढ़ जाता है। और 2 मिनट बाद फिर रसगुल्लों में को चाशनी में उबलते हुए करीब 10 मिनट हो चुके हैं और देखिए रसगुल्ला भी हमारा पूरी तरह से तैयार हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे अब हमने ये जो पपड़ी का पानी बनाया था ये हम इसमें मिला देंगे और ये पानी पहले से ही उबला हुआ था इसलिए हमें दोबारा से उबालने की ज़रूरत नहीं है। इसे डालने से ये होगा कि रसगुल्ला हमारा थोड़ा ज़्यादा वाइट हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि चाशनी हल्की सफ़ेद हो चुकी है और जो चाशनी निकाली थी वो भी मिला देंगे। और अब इन रसगुल्लों को हम ठंडा होने देंगे और अब रसगुल्ला थोड़ा ठंडा हो चुका है और आप देखिए ये देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है और ये खाने में बहुत ही अच्छा है। और देखिए हमारे स्पंजी वाइट रसगुल्ले तैयार हो गए हैं, आप इनका स्पंज देख सकते हैं देखिए, और इनमें चाशनी भी अच्छी तरह जा चुकी है और वाइट रसगुल्ले हमारे अब खाने के लिए तैयार हो गए हैं। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें। स्पंजी वाइट रसगुल्ला बनकर तैयार है। इसे बनाना थोड़ा कठिन रहा है लेकिन फिर भी हमारे रसगुल्ले बहुत अच्छे बने हैं। लेकिन इसे बनाते हुए आप एक बात का ध्यान जरूर रखें, मेरे रीठे बहुत छोटे साइज के थे, अगर आप रीठों को यूज़ करें तो गलत।